हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। वेट, आर वी रियली गोइंग टू प्ले माइनक्राफ्ट और इज दिस अ ट्यूटोरियल वीडियो? वेट व्हाट, ये किसका एक्सेंट आ गया? सो यस गाइस, आज हम नहीं, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, सिखाने भी नहीं, दिखाने जा रहा हूँ एक लेटेस्ट एंड एफिशिएंट सल्कर फार्म कैसे बनाते हैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन में। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो ओके गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं क्रिएटिव मोड में हूँ। सो ऑब्वियसली मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ। सो आप सबसे इजीएस्ट होगा फार्म आप एंड में, एंड सिटी में या एंड शिप के पास ही बनाओ, जिससे कि आप शलकर को आराम से एक अपने रेल कार्ट में बैठा के पूजा करते करते हुए लेके जा सकते हो। यस गाइस, सो लेकिन अभी हम लोग जबकि क्रिएटिव मोड में हैं, सो मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ और कहीं पे भी स्पॉन करवा सकता हूँ शलकर को बाय एक्स। सो ओके गाइस, बिना देरी करते हुए मैं एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। ये जितना भी आपको यहाँ मेरे इन्वेंट्री और मेरे हॉट बार में देख सकते हो, उतना सामान हमें चाहिए चाहिए। और ये श्वॉर्ड अगर आप लूटिंग वाला लेंगे तो उससे आपको लूटिंग इफेक्ट मिलेगा बिना शल्कर को मारे। सो लेट्स गो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको कुछ हाइट पे आ जाना है कुछ इस तरीके से, या अगर आपको एंड में कर रहे हो तो एंड से, अगर एंड पे अब वॉइड होगा वो वॉइड के ऊपर ही बनाना सबसे बेस्ट। और अगर आप अपने ओवर वर्ल्ड में शलकर को लाके बना रहे हो तो कुछ हाइट के ऊपर चले जाओ, जिससे कि शलकर नीचे स्पॉन ना हो पाए। सो लेट्स गो गाइस, कुछ इस तरीके से हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे। उसके बाद इसके नीचे हम लोग उनको कुछ इस तरीके से लेके जल्दी जल्दी यहाँ पे एक और एक प्लेटफॉर्म बना के ये बीच वाला तोड़ देना है। और उसके ऊपर हम लोग उनको यहाँ पे ये रेल लगाना है और ये माइनक्राफ्ट। और हाँ गाइज, इसको पहले से मैं ये लगा के रखा था, ये इसके लिए काम आता है, जैसे कि अगर ये दोनों रहेंगे तो ये नीचे ना गिरे। अगर ये मैं तोड़ देता हूँ तो ये दोनों तुरंत नीचे गिर जाएंगे। सो लेट्स गो गाइज, और ये देखो मैंने इसके साथ गड़बड़ कर दिया, ठग दिया। वाओ ग्रेट। ये किसका काम हो सकता है? नीचे नीचे हॉपर लगाना चाहिए था। और मैं ये क्या किया हूँ, क्या किया हूँ, ऐसे करो। ठीक है, कुछ इस तरीके से वहां पे स्टोन नहीं लगाना था। और इसके सामने मैं एज बिकॉज ये प्लेटफॉर्म लगा दिया हूँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पे चेस्ट लगाना है। सो उसके बाद गाइज हम आप लोग यहाँ से तोड़ देंगे इसको कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्राउच होके कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेल्स लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ पे माइन कार्ट लगा देना है, जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, ये इसको रोक देगा। एंड उसके बाद गाइज आपको चेस्ट लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। सो ओके गाइस, ये हो चुका है। अब हम लोग को ऊपर यहाँ पे, ओह शिट 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 शिट, ओके मैं तो भूल ही गया था मैं क्रिएटिव मोड में हूँ। ओके गाइस लेट्स गो, ऊपर चलते हैं। वेरी सॉरी। लेट्स गो। 2,000 years later। उसके बाद आप सभी लोग उनको एक काम करना है, इस जगह पे अभी कुछ नहीं करना है, यही ही करना है आपको कि कुछ नहीं करना है। उसके सामने एक प्लेटफॉर्म बना के मैं यहाँ पे जो सामने में लगाया हूँ इसको, पहले आपको इसको निकाल देना है। एंड देन इधर आपको चार ब्लॉक लेना है एंड इस साइड भी आपको चार ब्लॉक लेना है।
एंड देन उसके बाद ट्रैप डोर लेके इस जगह पे लगाना है एंड फिर इस जगह पे लेना है लगाना है एंड इसके नीचे के ब्लॉक को कुछ इस तरीके से इजीली तोड़ देना है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि वो इधर उधर स्पॉन ना हो। उसके बाद इसको यहाँ पे लगाना है एंड यहाँ पे लगाना है। अब चारों तरफ को कुछ इस तरीके से कवर कर लेना है 2 ब्लॉक के हाइट का, और कम से कम ग्लास यूज करो गाइस, जिससे कि उन लोग का स्पॉन होने का चांस घट जाए, स्पॉन आई मीन सॉरी, इधर उधर टेलीपोर्ट होने का चांस घट जाए। सो मैं इसे जल्दी से जल्दी कवर करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आप सभी लोग उनको इसको कवर कर देना है। उसके बाद आप सभी लोग उनको कुछ इस तरीके से स्लैब से इसको ढक देना है, पूरा एंड तक कुछ इस तरीके से। अब ये होने के बाद गाइस, इसको मैं इसलिए खुला छोड़ा था क्योंकि मैं ये ग्लास लगा सकूं अब इसको तोड़ देने का। एंड मैं एक गलती कर चुका हूँ जिसका भी भरपाई मुझे करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे और एक चेस्ट में लगाना भूल गया हूँ या फिर मैं तोड़ दिया हूँ। बहुत बढ़िया काम किया मैंने। लेट्स गो गाइस, इसको मैं जल्दी से जल्दी और एक लगाता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, मैंने ये चेस्ट लगा लिया है, सो लेट्स गो। अभी हम लोग उनको और एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, और ये इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम लोग को ये चारों तरफ को भर देना है बटन से, जैसे कि इधर उधर वो लोग टेलीपोर्ट ना हो सकें, कुछ इस तरीके से। ओ वेट, यहाँ पे नहीं, हम लोग को यहाँ पे लगाना है एंड यहाँ पे लगाना है, कुछ इस तरीके से। ओके डन, वो दोनों तरफ को लगा देने के बाद अब हम लोग को इस पूरे ग्लास को बटन से कवर कर देना है। सो लेट्स गो गाइस, आज एक ट्रांजिशन ट्राई करते हैं, लेट्स गो। एक चुटकी बजाते ही होता है कि नहीं देखते हैं। 3 2 1, नहीं हुआ नहीं हुआ। ओ रुको रुको, वेट, लेट्स ट्राई दिस अगेन। ओके, हो पाता है कि नहीं, हो पाता है कि नहीं। अरे भाई साहब, ये अपने आप कैसे हो गया? वाह, चारों तरफ से अच्छे से सज गया है। यस गाइस, मैंने कैसा लगा आपको ट्रांजिशन ज़रूर कमेंट में बताना। एंड लेट्स गो, इसको इस प्रकार से आप लोग उनको चारों तरफ से देख सकते हैं, जैसे ऐसे बटन से कवर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बटन से चारों तरफ से घेर लें, जिससे कि आप लोग उनको दूसरे जगह वो कहीं स्पॉन ना हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वाटर लेके यहाँ पे डाल देना है एंड इस साइड डाल देना है, और ये देखो बटन की वजह से वो वाटर इधर उधर भी नहीं जा रहा है। एंड हाँ, आपको कुछ बटन लेके यहाँ एक और यहाँ एक लगा देने हैं बस। अब हम लोग उनको मैं स्पॉन एग ले रहा हूँ गाइस, आपको तो सर्वाइवल वर्ल्ड में स्पॉन एग लेना नहीं पड़ेगा, सो आप माइनकार्ट यूज़ करके ले आ सकते हैं, और मैं अभी ही आपको बता दूंगा कि माइनकार्ट लेके आप किस प्रकार से उसको बैठा के कर सकते हैं। अभी मैं पहले इसको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग उनको यहाँ पे ले आने हैं ये दोनों को, और उसके बाद इसको कवर कर देना है कुछ इस तरीके से एंड चारों तरफ बटन से घेर लेने से पहले। अरे बम करना बंद कर। एंड नेक्स्ट स्टेप गाइस, सब कुछ होने के बाद हम लोग को सेफली पहले दोनों साइड स्नो गोलम का जो प्रोसेस होता है फॉर्म करने का वो कर देना है। उसके बाद हेड लेके इधर एक एंड इधर एक, एंड ये दोनों का वॉश शुरू हो जाएगा गाइस। आप जितने चाहें यहाँ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं दो दो डाल रहा हूँ और इस तरफ भी मैं दो दो डाल रहा हूँ, तो
आप कितना भी डाल सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अरे एवड़े एवड़े करना बंद कर दो यार, एक मिनट अभी। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ क्योंकि वो फार्म बहुत आवाज़ कर रहा है गाइस। सो कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग वो उन लोगों को मारना शुरू कर चुके हैं। एंड आप अगर यहाँ पे लूटिंग 3 लेके भी खड़े हो जाएंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं यहीं पे खड़ा हूँ गाइस, और आप देखते जाइए कि कैसे एक एक धीरे धीरे करके वो आते जाता है। लेट मी चेक, कुछ आया है कि नहीं। ये देखो गाइस, पहले से ही 5 आ चुके हैं। इसे कहते हैं अपना एफिशिएंट सल्कर फार्म। लेट्स गो चेक करते हैं, और थोड़ी देर खड़े रहते हैं और कितना फॉर्म होता है चेक करते हैं। गाइज मैं कितनी देर से यहाँ पर बैठ के AFK था, लेट्स चेक कितना हुआ है एंड देखते हैं। ओह भाई साहब, 27, ग्रेट अचीवमेंट, वाओ। सो ओके गाइज, ये था आपका माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन का एफिशिएंट शल्कर फार्म फॉर बेडरॉक पॉकेट एंड आल्सो एक्सबॉक्स। सो अगर आपको गाइज इसका मैसिव फॉर्म देखना है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि आपको पता चले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के बारे में। एंड आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना पड़ेगा, जिससे कि आपको मेरा सर्वाइवल सीरीज़ का इस सल्कर फार्म का मैसिव वीडियो आएगा, जिससे कि आप अपना मैसिव फार्म बना सकते हैं इस हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड का मैसिव फार्म को देख के। सो लेट्स गो गाइज, अगर आपको भी और ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहिए, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट बिलो कि आपको और क्या क्या चाहिए। सो ओके गाइस, आपको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आपने मेरा 100 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड जैसे कि आपको पता है, मैंने 1K सब्सक्राइबर्स का गोल लगाया। लेट्स गो, हम लोग कितना दिन में कंप्लीट करते हैं देखते हैं। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है गाइस। सो लेट्स गो, आज के लिए बस इतना ही। ये था अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, बेडरॉक एडिशन एंड एक्सबॉक्स एडिशन का एफिशिएंट सल्कर फार्म, जो कि अभी लेटेस्ट आया है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।